धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बिना किसी भूमिका के अपनी बात कह रहा हूं। माननीय मंत्री जी यहां सामने बैठे हैं। पिछले 7 सालों में बहुत संघर्ष हमने रेल के लिए किया। इसी हाउस में खड़े होकर बहुत भाषण खिलाफ में दिए। उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि ट्रेनें तो मिली नहीं, जो आंदोलन हुए उसके केस के नंबर बढ़ गए। और इसलिए मंत्री महोदय मैं इस जगह पे खड़े होकर कहना चाहता हूं कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और ये उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग ये कहेंगे कि अभी तक के सबसे अच्छे रेल मंत्री आप ही रहे हैं। और हमारी इसलिए आपसे अपेक्षा ये है, आप मध्य प्रदेश में आए थे, भोपाल में आकर आपने सारे सांसदों से बातचीत भी की। हमारी अपेक्षा ये है कि मेरा संसदीय क्षेत्र जबलपुर, जहां पश्चिम मध्य रेल जोन का मुख्यालय है, वहां से गोंदिया के लिए जो ब्रॉडगेज परियोजना है, 5 साल में वो काम पूरा होना था। 511 करोड़ रुपए की परियोजना थी, 12 साल बीत गए हैं, आज 1000 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत पे पहुंच गई है। कुछ राशि उसमें पर्याप्त नहीं मिली, पहली बार पिछली बार 100 करोड़ की राशि दी गई थी। पर्यावरण मंत्रालय ने उसमें कुछ आपत्तियां लगा दी हैं, उसका भी निराकरण आप कर लें, क्योंकि उनके अनुसार वहां से शेर का आने जाने का रास्ता है, जहां ऑलरेडी नैरो गेज अभी बना हुआ है, अभी शेर को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जब वो ब्रॉडगेज हो जाएगा तो उनका मानना है कि शेर को तकलीफ होगी। तो शेर की तकलीफ की चिंता वो करें, लेकिन वो वहां की जनता की भी चिंता कर लें, इसलिए उसके लिए पर्याप्त राशि दे दें। साथ में कुछ ट्रेनों की मांग हमने की थी, एक का आश्वासन हमको आदरणीय ममता जी के द्वारा भी मिला था, जबलपुर से कोलकाता के लिए, माननीय मंत्री जी, जबलपुर से कोलकाता के लिए वाया बिलासपुर एक ट्रेन की मांग हमने की थी, जबलपुर से बेंगलोर की एक ट्रेन की मांग की थी और जबलपुर से अमृतसर की मांग की थी। तो मेरा आपसे आग्रह है कि जबलपुर के लोगों की कम से कम इन मांगों को आप पूरा करें। और सांसद यहां बैठे हैं, जबलपुर से गोंडवाना चलती दिल्ली आती है, वो दो भागों में आती है, एक हिस्सा उसका भुसावल से आता है, एक जबलपुर से, बीना में दोनों आके मिलती हैं। यदि आपकी अनुमति हो जाए तो सारे सांसद ये चाहते हैं कि अगर वो ट्रेन पूरी की पूरी जबलपुर से चलने लगेगी तो उसका बहुत अधिक फायदा होगा, लोगों को राहत भी मिलेगी और समय की बचत भी होगी। इसके अलावा जो मेरी दूसरी मांगे हैं वो निश्चित रूप से शीघ्र ही मैं आपको देने वाला हूं, इस विश्वास के साथ कि इस बार के बजट में मैंने कहीं पर भी किसी तरह से सरकार के या रेल विभाग के खिलाफ में कोई बात नहीं की है। इसलिए ये विश्वास है कि कम से कम इस बार आप हमारी मांगों को पूरा करेंगे। बहुत साउंड दैट इज ओवर।